क्वेश्चन में हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बार पूछा है एंड दिया हुआ क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू टू बाई सेवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वन बाय फोर एंड दिस आर द ऑप्शन चूज करो वन करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम अब ये जो हमें पूछा है क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बार इसका फॉर्मूला किस तरह से बनता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बार इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अब वैल्यू इसमें पुट कर दो लेकिन आपके पास तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी नहीं है लेकिन आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबाबलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या रहेगा वन माइनस प्रोबाबिलिटी ऑफ ए कैसा बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू वन और यहां से प्रोबाबलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूला बनाया ना ये वाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन ए बार जो आपसे पूछा है इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? आपके पास में टू बाय सेवन माइनस प्रोबाबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है वन बाय फोर अपॉन में वन माइनस प्रोबाबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है थ्री बाय फाइव अगर इसे सॉल्व करते हैं तो इज इक्वल टू देखो फोर इंटू टू एट माइनस सेवन अपॉन सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट अपॉन में फाइव माइनस थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल टू ये तो वन वन अपॉन ट्वेंटी एट अपॉन टू बाय फाइव और अगर इसे सॉल्व करते तो क्या रहेगा आपका ये फाइव ऊपर चला जाएगा फाइव अपॉन ये टू इंटू ट्वेंटी एट फिफ्टी सिक्स बार यहाँ पे क्या रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बार तो ये जो आंसर आपको मिलने वाला है ना यहाँ पे देखो ये फिफ्टी सिक्स का तो अब यहाँ पे आपको ये आंसर मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बार इज इक्वल टू फाइव अपॉन फिफ्टी सिक्स ऑप्शन नंबर टू देखो कि फाइव अपॉन फिफ्टी सिक्स करेक्ट